हैवी ड्यूटी मशीन 75 कॉपी पर मिनट देता है ये। 75 कॉपीज पर मिनट। ऑन करने के लिए ये बटन है, यानी ऊपर जो वन है उस पे ऑन है और नीचे पावर ऑफ है ना। ठीक है, टोनर चेक करने के लिए। इसमें कैसे पता लगेगा कितना टोनर है? वेटेज, क्या है मैं देखूं? वेटेज, वेटेज। इसमें तो बहुत कम है यार, तो मंगवाएंगे। अच्छा, इसको लगाने के लिए क्या ध्यान रखना होता है? जैसे हम ये जो स्क्रू है ये अपसाइड होना चाहिए, देन प्रेस, देन इसको कट। ठीक है, क्लोज। ठीक है, मेन पैनल पे आ जाते हैं। आप क्या चेक करना चाहते हैं इसमें? अब जिसकी इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह की कैसे क्या करने के लिए आप कॉपी मोड में जाएंगे। नंबर ऑफ कॉपी जितनी भी आपको लेनी है वो आप नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ रख देंगे आरडीएफ में। करके दिखाइए, साथ में कर करके दिखाइए। कॉपी जैसे नंबर ऑफ ट्रे, अब जैसे जैसे ये है, ये हमारे ट्रे है, इस ट्रे का क्या काम है, कैसे पता चलेगा? दो ट्रे, तीन ट्रे, चार ट्रे। इस ट्रे का बताइए क्या है? ये ट्रे ट्रे A4 की ट्रे है। हाँ, ये भी A4 ट्रे है। ठीक है, इसमें आप एक बार में 500 शीट लगा सकते हो। 500 शीट पर ट्रे। ठीक है, यानी कि 1000 शीट इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका लीगल शीट के लिए है, लीगल शीट A3 जिसको बोलते हैं, A3 शीट के लिए है। ये आपका ड्राइंग शीट या उससे बड़ी शीट जो आपका मैपिंग वाली शीट होती है उसके लिए। तो अब जैसे इसमें सपोज करो हमने A4 शीट्स लगा दिया, अब उसमें शीट्स खत्म हो गया, इसमें शीट्स है, ये कैसे ऑटो उठा लेगा? अच्छा, ठीक है। अब कॉपी करने के लिए आप कॉपी रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर आप स्टार्ट दबाएंगे कॉपी पे धीरे धीरे। हाँ ठीक है, स्टार्ट बटन दबाएं। पेपर का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सेंसर होता है, पेपर हमारा सेंसर पर टच होना चाहिए। ठीक है, यदि पेपर सेंसर पर टच होगा आपको यहाँ पे सिंबल आ जाएगा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी दूर होता है पेपर तो आपका वो सेंसर नीचे हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर से करना है एक बार। ये मैंने पेपर रखा है, यहाँ पे एक ब्लैक रंग का सेंसर है, ये आपका टच होना चाहिए तो आपको यहाँ सिंबल दिखेगा। ठीक है, और ये आपके ऊपर उठ जाएगा। ये पेज, हाँ पेपर नहीं, ये ट्रे लिफ्ट हो जाएगी। यदि आपको पेपर सेंसर से थोड़ा सा भी दूर है तो डाउन हो जाएगा, यहाँ आपको सिंबल नहीं दिखेगा, फिर वो यहाँ से कॉपी करेगा। पेपर का भी जाम होता है, आपको ढक्कन है, यहाँ से आप पेपर निकाल सकते हैं इनकेस जाम होता है तो। इसको बंद कर देंगे, आपको यहाँ ग्लास से कॉपी लेना है, यहाँ पे पेपर रखेंगे, यहाँ से आप पेपर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज जितनी आपको चलानी है वो, फॉर सपोज आपको बैक टू बैक कॉपी करना है तो आप टू साइड कॉपी मोड में जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है 2+2, 2+2 में बैक टू बैक कॉपी को बैक टू बैक करके दे देगा, वन साइड का 2, यानी कि दो अलग अलग कॉपीज को, दो सेपरेट पेपर्स को एक बैक टू बैक बना के दे देगा इस कंडीशन में। ठीक है, थर्ड आपका ऑप्शन है 2+1, कोई बैक टू बैक पेपर है आप उसको अलग अलग करना चाहते हैं, दो डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन दबाएंगे। उसमें क्या करेगा, ये आपका जो बैक टू बैक डॉक्यूमेंट आप ऊपर लगाएंगे दो पेज का, उसको अलग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हम अपना ये कॉपी रेशियो में, कोई कॉपी बड़ी है आप उसको छोटा करना चाहते हैं कॉपी रेशियो में जाएंगे, ऑटो इमेज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप साइज करना चाहते हैं ऑटो इमेज करके वो सेंस कर लेगी मशीन में, सेंसर और अपने अकॉर्डिंग वो ले लेगा, ये मशीन में सेंसर लगे अकॉर्डिंग ले लेगा। फॉर सपोज आपको कोई अपना डिजायर को करना है, कोई डॉक्यूमेंट लेना 70, 80, 160, ये सब आपको सैंपल्स मिले, बाकी आप यहाँ बटन से कुछ अपना डिजायर वो फीड करके आप उतने साइज में कॉपी ले सकते हैं। कोई भी काम करने के बाद मशीन में सीए बटन क्लियर ऑल दबाना कंपलसरी है। ठीक है, सीए का मतलब क्लियर ऑल, क्लियर ऑल, ताकि मशीन अपने डिफॉल्ट मोड में चले जाए। एक्सपोजर में जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट लाइट है या डार्क है, आपको लाइट से डार्क करना है और उसमें खाली टेक्स्ट है, कोई इमेज या फोटो नहीं है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करके डार्क कर देंगे। कोई इमेज है जिसमें टेक्स्ट विद फोटो है, टेक्स्ट प्लस फोटो दोनों है, देन उसको आप हाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जाएंगे, ये ट्रे है आपकी मशीन की इमेज बन रही है, इसमें ट्रे दिखा रहा है टोटल मशीन में, एक ये दो तीन ये 8:2.5 क्या है वो पेपर साइज है, लेंथ और ब्रेथ 8.5 और 14 ये पेपर का साइज है। यहाँ पे मशीन में टिक करेंगे तो आप ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3, ट्रे 4, तो जैसे आपने पहले बताया कि ट्रे 1 में पेपर खत्म हो जाएगा तो ये ऑटो ले लेगा, यहाँ से उठाएगा। अच्छा
ठीक है, ट्रे थ्री में आपका लीगल शीट लगा, उसका स्टैंडर्ड साइज ये होता है 8.5x14। ट्रे फोर में इस टाइम अभी कोई पेपर नहीं है इसलिए वो ब्लिंक दिखा रहा है। ये सपोज हमने ए थ्री लगा दिया तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, सेंस करेगा। अच्छा, मैनुअली आप चेंज भी कर सकते हो ट्रेज में जाके। कहाँ से? ट्रेज में जाके आप चेंज कर सकते हो। वो ट्रेज में आपको चेंज करने के लिए होम मोड में आना पड़ेगा। होम मोड में आने के बाद में आप स्वाइप करेंगे और स्वाइप करेंगे, यहाँ पे आपके एक ऑप्शन है ट्रे सेटिंग्स। ट्रे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी ट्रेस दिखाएगा 1, 2, 3, 4। आपको जिस भी ट्रे का साइज चेंज करना है आप उस पर टच करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे साइजेस दिखा देगा। ठीक है, प्लेन पेपर एंड पेपर ए बी, इसमें आप जो भी करना चाहिए सैंपल्स हैं, ऑटो इंचेज, सेट साइज, डायरेक्ट एंट्री, यदि आपका कोई डिजायर पेपर साइज है वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, देन ओके करेंगे। वो चीज आपको फिर यहाँ आपको कॉपी मोड में आपके कॉपी में रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अदर ऑप्शंस में जाएंगे। अदर ऑप्शंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कार्ड शॉर्ट है हमारा ऑप्शन। फॉर सपोज आपको कोई आईडी कार्ड या आधार कार्ड कॉपी करना है, ये आप कार्ड लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ना डिजायर नंबर लिखे हुए 90x30 पोस्ट कार्ड तक कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, एक्स की वैल्यू 90 है तो मेरा एक्स को मैं कर दूंगा 90। ओके, y की वैल्यू है हमारी यहाँ लिखा हुआ है 130 कर दूंगा मैं। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, देन मैं इसके ऐड करूंगा। इसके बाद बोलेगा रीडें, ये जो कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट है सेम जगह पे मैं रखूंगा, ऐसे पंच करूंगा, देन स्टार्ट बटन दबाऊंगा। मेरे जितने भी कार्ड हैं या जितना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी तरीके के कार्ड है, मैं रखने के बाद में जब मेरा डाटा स्कैन हो जाएगा मैं रीडेंट दबाऊंगा। रीडेंट दबाने के बाद में आपको जो कॉपी मिलेगा उससे लिखना मिलेगा, आपको बार बार पेज पर लिखने की जरूरत है। एक बार इसको फिर से बताइए कैसे कैसे आपने किया। ठीक है, स्टार्टिंग से कोई भी आपको कार्ड या करना है, कॉपी में जाएंगे, कॉपी में अदर्स में जाएंगे, अदर्स में एक ऑप्शन है अपना लास्ट लाइन में 1, 2, 3 तीसरे नंबर कार्ड शॉर्ट। कार्ड शॉर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आप ऑन मशीन कार्ड में यहाँ नंबर लिखा हुआ 90x130, 100x150, 5x7। यहाँ पे आप वैल्यू देख लेंगे आपका जो कार्ड है वो किस कैटेगरी में आता है। ये आपका 90x130 में आ रहा है तो मैं यहाँ पे 90 जो एक्स की वैल्यू है वो 90 कर दूंगा। ठीक है, और वाई की वैल्यू मेरी 130 आ रही है। यहाँ कैसे पता लग रहा है? यहाँ लिखा हुआ है ना। अच्छा, इस लाइन के अंदर में आ रहा है। यदि वो इस कैटेगरी में आता तो मैं ये वाले नंबर्स डालता, इस कैटेगरी में आता ये डालता। एक्स और वाई कैसे पता लग रहा है? ऊपर तो एक्स है, 90 क्या एक्स लिखा है, नीचे वाला ऑब्वियसली वाई होगा। ठीक है, वाई की वैल्यू 130 करनी है मेरे को, यहाँ 130 करूंगा। ओके करूंगा, 90x130 हो गया, लिखा भी पड़ा है यहाँ। ठीक है, ओके ओके, देन मैं कार्ड को बिल्कुल एरो है, एरो से टच करके रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट बटन दबाऊंगा, देन मेरे को कोई भी और जो स्कैन करना है उसको सेम जगह पर रिप्लेस करूंगा। फिर मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो प्लास्टिक में पीवीसी में होते हैं, उनको स्कैन करने के बाद में जब मेरा पूरा डाटा स्कैन हो जाएगा मैं फ्रंट एंड रीडेंट दबाऊंगा, देन मशीन आउटपुट में आपको सिंगल इमेज प्रोवाइड करा देगी, एक ही बार में आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, बार बार मतलब पलट के लगाने की जरूरत नहीं है। और पेन ड्राइव से स्कैन करने के लिए आप पेन ड्राइव से इसमें स्कैन भी ले सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव है आपके पास, इसको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट बनाए, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है एसडीबी फाइल रिट्रीव ऑप्शन, ऊपर है होम मोड में। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपको, स्कैन टू एक्सटर्नल मेमोरी और सिलेक्ट फाइल टू प्रिंट फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, फॉर सपोज आपको कुछ चीज स्कैन करना है तो आप स्कैन में जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है आप स्कैन यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल नेम का ऑप्शन आ रहा है, आप ऑप्शनल आप फाइल नेम देना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी आप फाइल नेम दे सकते हैं। ओके करेंगे। ठीक है, ये आपका लग गया, वो सेंस हो गया, आप स्टार्ट बटन दबाएंगे, ये आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद में चला जाएगा। ठीक है, 1-2 मिनट का वेट करेंगे, मशीन बीप करता है, जब बीप बंद हो जाएगा पेंडम निकालेंगे, आपको यहाँ पे जो नाम आपने सेलेक्ट करा उस नाम से आ जाएगा। फॉर सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट कलर्ड स्कैन करना है
कलर, यहाँ कलर मोड में जाएंगे, यहाँ पे फुल कलर आ रहा है, ग्रे स्केल आ रहा है, मोनो टू आ रहा है, फुल कलर को टिक कर देंगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी कलर है वो कलर स्कैन हो जाएगा ये, ठीक है, और उसका आपको पता लग जाएगा यहाँ एरो का टिक आ जाता है कि कलर मोड ऑन है अभी। अच्छा ठीक है, रेजोल्यूशन है इसमें हमारे सैंपल्स, बाय डिफॉल्ट कंपनी 200x200 देती है, आप इसको 300, 400, 600 DPI तक ले जा सकते हैं, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन आपको फाइल फॉर्मेट में आपके पास आते हैं, ये फॉर्मेट में करती है, PDF, TIFF, XPG, JPG, JPG में करना चाहते हैं, उसके बाद में लो, हाई, मीडियम किस में करना चाहते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट PDF सेट रहता है, बाय डिफॉल्ट PDF सेट रहता है, अगर इसको चेंज करना है तो कहाँ से फॉर्मेट पे जाकर कर दीजिए, XPG, JPG कर, और ओके कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा बिल्कुल, और अब फिर से इसको करना है तो वो आपको फिर बार बार करना, कैसे स्टार्ट स्लो होकर के थोड़ा सा SDG में जाएंगे, स्कैन टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, फाइल फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट PDF है, आपको JPG करना है JPG पे, मतलब हमेशा वो PDF ही रहेगा, हाँ बाय डिफॉल्ट PDF है, आपको लो हाई किस क्वालिटी में चाहिए वो बता दें, टिक कर देंगे हाई में चाहिए, ओके। अच्छा ये पेज रखने का तरीका क्या, जो हमारा जो स्कैन करना है वो पार्ट ऊपर होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लिखा हुआ ब्लैंक नीचे होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है, कलर फॉर्मेट में चाहिए नहीं तो ऑटो, डिफॉल्ट में आपको ऑटो है, यदि ब्लैक है तो ब्लैक आएगा, कलर है तो कलर आएगा, आप फुल कलर करना चाहते हैं तो फुल कलर पर टिक कर सकते हैं, बटन दबाएंगे, फोल्डर नेम लिखना होगा, फोल्डर नेम आपको लिख दीजिए कुछ भी, कोई भी लिखना चाहे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप टिक करेंगे, ये आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होकर पेन ड्राइव में आ गया, ठीक है, बैक टू बैक फोटो कॉपी ना, वहाँ पे गया, अच्छा वो सेंसर की वजह से सेंस हो गया, कॉपी में जाएंगे, टू साइड कॉपी, बैक टू बैक है, 2+2, टू स्लाइड बाय टू स्लाइड, ओके, नंबर ऑफ कॉपी 2 है तो 2 डालेंगे, कितने चाहिए, नंबर ऑफ कितने कॉपी चाहिए, 2 चाहिए, स्कैन दोनों साइड स्कैन हो गया, अब जैसे पेन ड्राइव से कोई मुझे प्रिंट लेना है, लेना है तो आप सेलेक्ट फ्रॉम फाइल फ्रॉम USB मेमोरी प्रिंट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी फाइल पेन ड्राइव में सेव है वो आ जाएंगे, जैसे अभी आपने जो वो किया था आपका ये पेन ड्राइव है, हाँ अब आपको कोई भी करना है प्रिंट करना है आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा करना है, अभी जो आपने किया था वही कर लीजिए, कहाँ गया वो सेव हुआ था ना, ये PDF चेंज सेटिंग टू प्रिंट आएगा, यहाँ टिक करेंगे, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉपी जितना चाहिए 1, 2, 3, 4 वो सिलेक्ट करेंगे, रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, टू साइड चाहिए या वन साइड चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट दबाएंगे तो आपको ये पेन ड्राइव में जो आपने डाटा सेव करा है वहाँ से प्रिंट निकाल के देंगे, जब तक हमारा प्रिंट कमांड नहीं आएगा हम इसको ऑफ नहीं करेंगे, यही स्कैन करा था इंटरनेट का कुछ इशू, क्या क्या कर सकते हैं हम, ये आपका ढक्कन है, यहाँ चेक करेंगे पेपर जाम के लिए, यहाँ पे ग्रीन रंग का रोलर भी है, इसको आप घुमाएंगे पेपर जाम यहाँ है तो आप इसको गोल गोल घुमाएंगे पेपर जामिंग आपका बाहर आ जाएगा, फॉर सपोज पेपर यहाँ पे जाम होता है इसको बंद करेंगे, नीचे एक ढक्कन है इसको खोलेंगे, यहाँ से आप पेपर जामिंग निकाल सकते हैं, पेपर जामिंग नई जगह पे होता है और कहीं नहीं होगा, अच्छा ठीक है, तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, आएंगे यहाँ पे ग्रीन लाइट जलनी चाहिए हमेशा, यदि दिक्कत है तो आप अपने NIC वाले या नेट वाले से कॉन्टेक्ट करेंगे कि नेट की दिक्कत, ठीक है, मशीन ऑफ करने के लिए यहाँ पे पावर बटन है, मशीन को स्लिप मोड में डालने के लिए स्लिप बटन है, स्लिप मोड में चले जाएगी। इसमें इंटरनेट IP वगैरह अगर चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें ये कैसे होता जरा ये बताइए, सिस्टम बटन्स में जाएंगे, सेटिंग्स, सिस्टम में एक ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग्स, ओके, नेटवर्क सेटिंग पे टच करेंगे, यहाँ पे वहाँ से पासवर्ड मांगेगा, बाय डिफॉल्ट मशीन का पासवर्ड होता है एडमिन स्मॉल में, MIN डालेंगे, ओके करेंगे और लॉगिन करेंगे, एडमिन के बाद में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको आपके IP एड्रेस दिखा देगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है डिसेबल इनेबल का, इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं, अभी फिलहाल ये इनेबल है इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका IP एड्रेस होता है,
यहाँ पे आप सबमिट करना चाहे सबमिट करेंगे, चेंजेस करना चाहे चेंज करेंगे, सबमिट करेंगे, जैसी मशीन ऑप्शन देते रिबूट नाउ रिबूट नेटवर्क, इसको आप रिबूट नाउ कर देंगे उससे क्या होगा, तो मशीन आपका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेगी रिबूट। अच्छा वो आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद रिबूट नाउ करना जरूरी है? बिल्कुल रिबूट करना जरूरी है, तभी मशीन अप्लाई करें। रिबूट हो गया है, अब आईपी एड्रेस जो भी आपने चेंज करा है वो मशीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है।